अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं टेक होस्ट। यार आज की हमारी ये वाली वीडियो काफ़ी बेसिक होने वाली है। आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स को कवर करते हैं, उनके अनबॉक्सिंग करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के कंपैरिजंस करते हैं। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि मैंने इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर स्मार्टफोन बाय करना है, कौन सा स्मार्टफोन बाय करूँ। अभी रिसेंट मेरे माइंड के अंदर काफ़ी चीज़ चल रही थी, मार्केट को भी मैं एनालाइज कर रहा था कि अगर एक बंदे ने स्मार्टफोन बाय करना ना तो उसके माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। रिसेंटली मैंने एक स्मार्टफोन बाय किया और मैं जब मार्केट के अंदर देख रहा था ना, मैं खुद एनालाइज कर रहा था तो मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। लेकिन मैंने जब इस चीज के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम लगाया ना, तब जाकर मुझे समझ आई कि एक प्रॉपर तरीका क्या है आप लोगों के लिए स्मार्टफोन को डिसाइड करने का। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आप लोगों के साथ मैं ये चीज शेयर करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह आपका जो टारगेटेड बेस्ट स्मार्टफोन है उसको बाय करना है। अब इसके में भी दो तीन पार्ट हूँ वीडियो के, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो बेसिक स्टेप्स है ना एक स्मार्टफोन को चूज करने के, वो शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के आगे वाले दो पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा क्योंकि एक बेसिक पार्ट है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप लोगों ने एक स्मार्टफोन को किस तरह अप्रोच करना, आप लोगों ने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, आपके माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन होती है ना आप लोगों की, वो कंफ्यूजन टोटली तौर पर दूर हो जाएगी। तो बात करें पहले स्टेप की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है आपका बजट। अब देखिए जो बजट का मामला ना, ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी से ही हम लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं। लेकिन इसको डिसाइड करना आप लोगों ने पहला काम ये कर लेना है कि आपका जो मिनिमम बजट है वो कितना है और आप लोगों का मैक्सिमम बजट कितना है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन्स की मार्केट की, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप 5000 बजट को बढ़ाते हो आपको एक डिफरेंट फ़ोन मिल रहा होता है, अगर आप 10000 बढ़ाते हो आपको डिफरेंट फ़ोन मिल रहा होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर लिमिट लगा देनी है कि भाई दिस इज़ लाइक इनफ, इससे ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मैंने जो भी स्मार्टफोन लेना है वो इस प्राइस ब्रैकेट से नीचे नीचे लेना है, ताकि आप उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर उसको ढूंढ सकें। अगर आप ऐसे रैंडम मार्केट के अंदर चले जाते हैं ना, तो आपको कोई वहां पर जाकर समझ नहीं आती, आप वहां पर जाकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई मैं क्या करूं, बजट बढ़ा लूं और या फिर ना बढ़ाऊं। तो आप लोगों ने ये चीज पहले से डिसाइड कर लेनी है कि ये मेरा मिनिमम बजट है, इससे नीचे मैंने नहीं जाना, और ये मेरा मैक्सिमम बजट है, इससे अगर भाई 2000-1000 भी ऊपर है ना तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना। आपके पास एक प्रॉपर ब्रैकेट होनी चाहिए, तब आप लोग एक बेटर डिसीजन जो अगला स्टेप है उसके ऊपर मूव हो सकते हो। अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की, तो वो आता है कि आप लोगों का यूज क्या है। अब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप की ब्रांड्स चल रही हैं, अगर आप उनके स्मार्टफोन्स के ऊपर देखते हो ना तो वो डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वीवो की बात करते हैं, तो उनके डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे मिल रहे होते हैं, कैमरास काफ़ी डिसेंट मिल रहे होते हैं, लेकिन वीवो के डिस्प्ले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनके अंदर प्रोसेसर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे होते। आप लोगों ने इस चीज़ को डिसाइड कर लेना कि आप 80% 90% किस तरह अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हो। लाइक अगर तो आप लोग एक नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, नॉर्मल के अंदर क्या चीज़ आती है कि मोस्टली आप कंटेंट को देखते हो, जिसके अंदर फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, टिकटॉक वगैरह, ये जितनी भी एप्लीकेशन है गूगल को यूज करते हो, तो इसको हम लोग एक नॉर्मल यूज कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप का यूज होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप ज्यादातर कैमरा को यूज करते हो, लाइक आपको शो का कैमरा को यूज करने का, और जो तीसरा होता है ना एक स्मॉल, वो ये होता है कि आप गेमिंग ज्यादा करते हो। लाइक आपको अगर गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी डिवाइस को लेना पड़ेगा जिसके अंदर प्रोसेसर अच्छा लगा हो, उसके कैमरा अच्छे हों या फिर ना हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को प्रोसेसर अच्छा चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए। अगर आपने कैमरा को ज्यादा यूज करना तो डेफिनेटली प्रोसेसर मैटर नहीं करता, आपको कैमरास उसके अच्छे चाहिए। तो जो बजट के बाद आपने दूसरी चीज करनी, वो है आपने अपना जो यूज है, आपका इंटरेस्ट एक स्मार्टफोन को लेकर किस साइड के ऊपर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने फोन से, इस चीज को आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि वो क्या चीज है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर सकते हो। आपको उस चीज को माइंड के अंदर रखते हुए स्मार्टफोन को देखना वो ज्यादा ईजी चीज होगी। तो ये चीज बजट के बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डायरेक्शन को सेट करेगी कि आप लोगों ने किस डिवाइस की तरफ जाना है। सो इन दो चीजों को डिसाइड करने के बाद आप लोगों ने जो तीसरी चीज डिसाइड करनी हुई है कि आपको एक नया फोन लेना है या फिर यूज्ड फोन लेना है। लाइक ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है कि स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस हैं, नए स्मार्टफोन्स की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और जो यूज्ड स्मार्टफोन्स हैं वो हमें ज्यादा बेटर वैल्यू के ऊपर मिल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो प्रेफरेंस है, आप लोगों को जो ज्यादा यूज है, आपको जो स्मार्टफोन चाहिए वो गेमिंग सेंट्रिक चाहिए, और आपका जो बजट है वो 30 से लेकर 35 हज़ार के दरमियान में। अब इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप एक नया स्मार्टफोन बाय करो या फिर आप लोग एक यूज स्मार्टफोन बाय करो। अब अगर आप नया स्मार्टफोन बाय करने की तरफ चाहते हो ना, तो आपको कोई ऐसा फोन इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर नहीं मिलेगा जो कि अच्छी गेमिंग को प्रोवाइड कर सके। इसी तरह अगर आप लोग यूज्ड के अंदर देखते हो ना, तो आपको यूज्ड के अंदर कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर पोको X3 या पोको X3 प्रो वगैरह और भी ऑप्शन है एक दो। तो आप लोगों ने ये चीज को भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना है कि आपकी जो प्रेफरेंस है ना वो किस टाइप की है। लाइक अगर तो आपको यूज्ड के अंदर उस प्राइस ब्रैकेट के दरमियान में कोई फोन मिल रहा है तो आपने उसकी तरफ चले जाना है। लाइक अगर आपने गेमिंग नहीं करनी, आपको फॉर एग्जाम्पल
मैं बता रहा हूँ, आपका बजट 30,000 से लेकर 40,000 के दरमियान में, आपको इतना हाई प्रोसेसर वाला फ़ोन नहीं चाहिए, आप फिर और किसी नए फ़ोन की तरफ जा सकते हो, रेडमी नोट 11 की तरफ जा सकते हो। लाइक ये जो आपको मैं स्मार्टफोन बता रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपका बजट जितना भी है आप लोगों ने उस बजट के अंदर देख लेना है कि कौन सा स्मार्टफोन यूज़ के अंदर मुझे अच्छा मिल रहा है। अगर आपको गेमिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी, आपको कैमरा चाहिए, तो आप लोगों ने कैमरा के लिहाज से यूज़ के अंदर कोई डिवाइस देख लेनी है, और या फिर आप लोगों को ओवरऑल कोई स्मार्टफोन बाय करना, तो आप फिर कोई नया फ़ोन बाय कर सकते हो जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें डिसेंट मिल रही हो। तो आप लोगों ने यूज्ड की मार्केट को लाजमी तौर पर रिसर्च कर लेना। अब आप लोगों ने जो प्राइसेस देखनी है ना, वो OLX के ऊपर देख लेनी है, आपको इजी आइडिया हो जाएगा अपने सिटी के अंदर। वहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि कंडीशन क्या 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 चीज़ें मिल रही हैं बॉक्स के साथ, मतलब एसेसरीज क्या क्या वारंटी के अंदर है या फिर नहीं है। तो प्राइस को डिसाइड करने के बाद आप लोगों ने यूज़ को डिसाइड करना, उसके बाद आपने न्यू कैटेगरी के अंदर और यूज़ कैटेगरी के अंदर चीज़ देख लेनी है कि आपको कौन सी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो तीसरा काम आप लोगों ने ये कर लेना है। अब यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ये भी आती है कि आपने एक एंड्रॉइड फ़ोन को बाय करना या फिर आपने एक आईफोन को बाय करना। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो बजट है वो 70,000-80,000 के करीब है, वहाँ पर आप लोगों को आईफोन्स भी मिल जाते हैं। लाइक अगर आपको अच्छे कैमरास के लिए कोई डिवाइस चाहिए, तो वहाँ पर आईफोन्स भी अच्छे कैमरा वाला मिल जाता है, एंड्रॉइड की डिवाइस भी मिल जाती है। तो अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना आईफोन या फिर एंड्रॉइड के दरमियान में, तो आपका जो प्रीवियस फ़ोन है आप लोगों ने वो देख लेना। लाइक अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड की तरफ जाना चाहते हो, तो आप क्यों जाना चाहते हो, या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, आप लोगों ने इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत डिस्कशन के अंदर ले आना है। लाइक आप लोगों ने अगर आईफोन से एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड से आईफोन जाना, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है कि जो आपका स्पेसिफिक यूज़ है ना, लाइक अगर आपने डिस्प्ले अच्छा लेना, आपको बैटरी अच्छी चाहिए या फिर आपको कैमराज अच्छे चाहिए, गेमिंग चाहिए, तो आपको कहाँ पर अच्छी वैल्यू मिल रही है। लेकिन आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन के ऊपर स्विच होना एंड्रॉइड से, तो वो एंड्रॉइड के जो फ़ोन हैं ना वो मिड रेंज के अंदर भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन आईफोन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते, वो पुराने मिलते हैं, उनकी बैटरीज के इश्यूज़ होते हैं, डिस्प्ले के डिज़ाइन के काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं, वो पुराने मिल रहे होते हैं। तो आपने अगर 80,000 या फिर 90,000 से ऊपर जाना, तो आप आईफोन के ऊपर जाए एंड्रॉइड से, नहीं तो आप किसी भी नए एंड्रॉइड फ़ोन को बाय कर सकते हो। लाइक आपने इस चीज़ को भी सोच लेना अपने माइंड के अंदर, अगर आपको गेमिंग करनी है, आपको अच्छा आईफोन मिल रहा है गेमिंग के लिए, तो आप लोगों ने वो देख लेना है या फिर आपने एंड्रॉइड को देख लेना है। मतलब कि ये वाला जो स्टेप है ना, आपने तीसरे चौथे नंबर के ऊपर रखना, आप लोगों को ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली कोई सिनेरियो क्रिएट करके नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों ने देख लेना है कि आपकी जो नीड है वो किस साइड से ज़्यादा अच्छी तरह पूरी हो रही है, आप लोगों ने उस साइड के ऊपर चले जाना है। लाइक हर बंदे की एक डिफरेंट टाइप की कैटेगरी की नीड होती है, तो उस लिहाज से वो बंदा डेफिनेटली देख सकता है। अब इसके बाद अगर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, तो वही आती है कि आप लोगों ने बजट को भी डिसाइड कर लिया, आप लोगों ने अपना जो यूज़ केस है उसको डिसाइड कर लिया, आपने न्यू लेना यूज़ लेना सारी सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया। अब आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो फ़ोन है अगर तो वो यूज़ के अंदर है, तो आप लोगों ने OLX से बाय करना या फिर आपने मार्केट से बाय करना। अगर वो नया तो ऐसी बात है आपको मार्केट से मिलेगा या फिर आपको ऑनलाइन मिलेगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है कि आपने कहाँ से बाय करना है। लेकिन किसी भी फ़ोन को बाय करने से पहले एक चीज़ ये आती है कि लाइक अगर आप लोग एक नया फ़ोन बाय कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं, आप उसको डायरेक्टली तो बाय कर सकते हो, ऑनलाइन बाय कर सकते हो या फिर ऑफलाइन बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो चॉइस है उसके अंदर एक फ़ोन आ रहा है जो कि यूज्ड कंडीशन के अंदर आ रहा है, अब यहाँ पर चीज़ें ना कम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आपने अगर आईफोन लेना है, तो आपको यूज्ड आईफोन लेने से पहले कौन सी चीज़ों का टेस्ट करना है। अगर आपने एंड्रॉइड फ़ोन को लेना है, तो उस यूज्ड एंड्रॉइड फ़ोन को लेने से पहले आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट करना है। अब इसी के ऊपर मेरी दो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी, आईफोन यूज्ड लेने से पहले आप कौन कौन सी चीज़ों को चेक करें या फिर एंड्रॉइड को लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट करें, ये इन टॉपिक्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस को बनाऊंगा। लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेना है। आज की हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में से बात करेंगे कि आपने बजट डिसाइड कर लेना, आपने कौन सी डिवाइस लेनी है, क्या आपकी प्रेफरेंसेज हैं, न्यू है यूज है, मतलब कि इनिशियल जो रिसर्च है आप लोगों ने इस तरह करनी है, आप काफ़ी हद तक क्लोज अपनी डिवाइस के पहुँच जाओगे। अगर आपने प्राइजेस को चेक करना, आप ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट ना कब से उनसे प्राइजेस को चेक कर सकते हो, डेली बेसिस के ऊपर वो चेंज भी हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपने यूज के अंदर प्राइसेस को चेक करना, तो आप लोगों ने OLX वगैरह के ऊपर देख लेना है। ऐसे ही रैंडमली जो है ना, आपने कोई भी डिवाइस को बाय नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ चल रही होती हैं, हर फ़ोन के अंदर डिफरेंट चीज़ हमें ऑफर की जा रही होती है। अगर हम लोग ओवरऑल किसी भी फ़ोन के ऊपर देखते हैं, तो हमें लगता है यार ये ठीक नहीं है। मोस्टली जो देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो रैम को देख लेते हैं या फिर मेमोरी को देख लेते हैं, डिस्प्ले को भी इतनी ज़्यादा अच्छी तरह वो नहीं देखते लोग, लोगों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं है OLED डिस्प्ले या फिर IPS LCD डिस्प्ले है, जो दुकान वाले कहते हैं भाई उसको चिपका देते हैं। आप लोगों को मैं इंशाल्लाह फुल डिटेल के अंदर सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो ख़त्म करते हैं, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी लाजमी तौर पर नीचे कमेंट्स करना बताइएगा, और इस किस्म की कोई और भी आप वीडियो देखना चाहते हो जो कि गाइड टाइप
से रिलेटेड हो तो उसको बारे में भी आप लोग बता सकते हो। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो डिफरेंट वीडियोज हैं इस टॉपिक के रिलेटेड वो भी अपलोड करूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए।